नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज ककरानिया ब्लेसिंग टीम हैदराबाद से हूँ। 3+1=4 पिरामिड बंदर। आहार व्यवहार में जागरूकता बरतनी चाहिए। कहने को मतलब बेकार दृश्य ने नहीं देखनो चाहिए, बेकार बातें ने नहीं सुननो चाहिए और बेकार बात भी नहीं करनी चाहिए। एक भी विचार अपने मन मस्तिष्क से आध्यात्मिकता से भाव के बिना बार नहीं आनो चाहे। यो ही योगेश्वर को सहज स्वभाव हुआ। गांधी जी अपन ने 3 बांदरा के बारे में बताया था। आँखा बंद करके, कान्हा बंद करके और मुंह बंद करके रखा हुआ बांदरा। साधारणतः सही लोग बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ई संकेत के बारे में जाने हैं। अपना बुजुर्ग अपन ने बताया था, समग्र व्याख्या को नहीं हुई। केवल बुरो मात्र ही अपने लिए जो अनावश्यक हुआ वो भी नहीं देखना चाहे, सुनना भी नहीं चाहे और बोलना भी नहीं चाहे। दूसरा के लिए अनावश्यक बात बिल्कुल को नहीं करनी चाहे। पहलो बांदरो कह रहे है, न देखने वाली अप्रधान एवं अनावश्यक बाता मत देखो, आँखा बंद कर लेनी चाहे। दूसरो बांदरो कह रहे है, ना सुनने वाली अनावश्यक बाता मता सुनो, कान बंद कर लेनो चाहे। तीसरो बांदरो कह रहे है, ना बोलने वाली अनावश्यक बाता नहीं करनी चाहे, मुंह बंद कर लेनो चाहे। असल में अनावश्यक अप्रधान ना देखने वाली बाता है कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति में जो दृश्य बाधा बने कदे ही ना देखना चाहे। अपनी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक सिद्ध ना होने वाला विषय कदे भी नहीं सुनना चाहे। अपनी और दूसरे लोगों की आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायक सिद्ध ना होने वाली बातें कदे भी नहीं बोलनी चाहे। हरदम आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लायक ही देखना चाहे। शास्त्र से संबंध बातें ही बोलनी चाहे। उरी ने परी ने अठ बठ ज़्यादा नहीं देखना चाहे, ज़्यादा सुनना नहीं चाहे, ज़्यादा बोलना नहीं है। यह अपना बुजुर्ग द्वारा 3 बांदरा की पूरी कथा है। अपना पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी वाला अपन ने चौथो बांदर दियो है। चौथो बांदरो यो बांदरो कह रहे है कि आपकी या दूसरे की आध्यात्मिक प्रगति में जो विचार सहायक सिद्ध कोनी होवे वह विचारा ने कदे ही नहीं बोलनो चाहे। ईशा विचार मन में ही मता आने दो। जो भी विचार आवे आध्यात्मिकता का भाव कभी न बार नहीं आना चाहे। यो ही योगेश्वर को सहज स्वभाव हुए। चौथो बंदर अर्थात अनावश्यक विचार रहित बंदर विकार की बातों से दूर रहना है। चौथो बंदरो अर्थात पिरामिड मास्टर रूपी बंदर आँख कान मुंह ये सब बहिनेन्द्रिय हैं। इन पर नियंत्रण मध्यम स्तरीय साधना हुआ है और मन पर नियंत्रण उत्तम स्तर की साधना हुआ है। पिरामिड आध्यात्मिक साधना हुआ है। पहलो बांदरो सही ढंग से देखण हालो सम्यक दृष्टि। दूसरो बांदरो सही ढंग से सुनन हालो सम्यक श्रवण। तीसरो बांदरो सही ढंग से बोलन हालो सम्यक वाक। चौथो बांदरो सही ढंग से सोचन वालो मतलब सम्यक विचार। यही पिरामिड का 4 बांदरा की कथा है। आपकी जिंदगी में उतार लीवा तो कहने सुनने को क्यों ही बाकी को नहीं रवे। जीवन तो ऐसो सुनर हो जावे जिकल ये देवी देवता भी तरसता रवे। और अठे आपा वाक क्षेत्र पर ध्यान रख कर बाता करा कर तो कि आपा कोई भगवान से कम थोड़ी हाँ। थाने मेरी बात समझ आ की उसी। बहुत बहुत घना प्यार। धन्यवाद।